हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का टॉपिक वर्ब। एक सेंटेंस वर्ड्स के ग्रुप से, वर्ड का ग्रुप जो होता है, समूह जिसे हम कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। उसमें हमारा एक टॉपिक वर्ब भी होता है। जैसे सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं, I like tomato. ये हमारा सेंटेंस है। ये सेंटेंस काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो उसी तरह से वर्ब भी उसमें एक शामिल होती है। ये फॉर्मेट होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होती है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। इसके बिना हम नहीं कह सकते कि हमारा सेंटेंस बन सकता है। इट मीन्स मस्ट है ये हमारे सेंटेंस में। जब भी हम एक सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, जब भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे, तो इस वर्ब को शामिल करना हमें कंपलसरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि सब्जी बना रहे हैं तो मसाले बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह से जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। एक विदाउट सब्जेक्ट के एक सेंटेंस बन सकता है, विदाउट ऑब्जेक्ट के हमारा एक सेंटेंस बन सकता है। इट मीन्स सब्जेक्ट नहीं होगा, इम्प्लायर हो सकता है। जैसे मैंने कहा था क्लोज द विंडो, तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में। पर बिना वर्ब के हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसको हम कह सके कि वो सेंटेंस है। जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, या जिस लाइन को या जिस वर्ड ऑफ ग्रुप यानी शब्दों के समूह को जब हम कहेंगे सेंटेंस, तो उसमें वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ब हमारी सेंटेंस का मेन पार्ट है, यानी कि इसके बिना हमारा सेंटेंस अधूरा है। उसे हम सेंटेंस की श्रेणी में या सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम। अब रही बात हमारी वर्ब की, यानी कि जब हम सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम वर्ब को लेंगे। अब ये वर्ब, जब ये वर्ब को ले यूज़ करते हैं, तो ये वर्ब हमें टू टाइप की मिलती है। एक होती है हमारी मेन वर्ब, फर्स्ट क्या होती है हमारी मेन वर्ब, और इसी के साथ हमारी एक हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम मॉडल कह सकते हैं, वो होती है। तो यानी कि जब भी हम वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास टू टाइप की वर्ब हो सकती है। फर्स्ट होती है मेन वर्ब, सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स। इनको लेकर ही हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, और इन्हीं को कहते हैं हम वर्ब। इट मीन्स हमारे पास टू टाइप की वर्ब्स, बता दी। मेन वर्ब जिसकी हमारी फॉर्म भी चलती है, हम पढ़ते हैं जैसे कम, ठीक है, गो, ये हमारी मेन वर्ब कहलाती है। कई बार क्या होता है, सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब यूज़ की जाती है, और कई बार हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस, जो स्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे आई एम ए बॉय, तो हमारी उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से ही कंप्लीट हो जाती है। लाइक कैन, इज, वॉज। क्लियर है माइंड में? हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई ना कोई वर्ब यूज़ होगी ही होगी। विदाउट वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इट मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हमने टू पार्ट कर दिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी हमने क्लियर कर दिया कि मेन वर्ब हमारी जो जिनकी फॉर्म चलती है, जैसे कम, गो, फॉर्म आपकी फाइव फॉर्म, जैसे अपन इंग्लिश में जानते हैं, फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, आईएनजी बीइंग फॉर्म जिसे हम कहते हैं, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसका हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव के साथ। यहाँ हमारी सेकेंड वर्ब जो है, ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास मॉडल है। इट मीन्स हम ये वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल भी हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, या ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है।
इनकी कोई फॉर्म नहीं होती है, ये किसी में चेंज नहीं होती है। इट मीन्स जिसके पास प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ऐसा किसी तरह का कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग सकती है, यानी कि इज हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे राधा इज, ठीक है। वॉज हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ यूज़ कर सकते हैं राधा वॉज। कैन हमारा हर किसी के साथ यूज़ हो सकता है जो कि प्रेजेंट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म इसकी कुड। पर जैसे हमारे पास हैज़ है, सिंगुलर है, हैव है, प्लूरल है, वर है हमारे पास प्लूरल है, तो यानी कि बॉयज़, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स सेंटेंस हमारा जब भी कंप्लीट होगा, जब हम वर्ब लेंगे, तो हमें सब्जेक्ट को माइंड में रखना है कि आपको किस तरह की फॉर्म यूज़ करनी है। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। इसी के बाद हमारा क्या होता है, इस मेन वर्ब, इस मेन वर्ब में हमारे 6 पार्ट बताए हैं। इस मेन वर्ब के हमने कितने पार्ट कर दिए हैं, 6 पार्ट कर दिए। इट मीन्स हम जब भी वर्ब को देखेंगे तो वो हमारी 6 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट हमारी है ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट हमारी कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमेशा वर्ब हमारी एक्स्ट्रा, जो भी वर्ब यानी कि जिसको हमने यूज़ कर रखा है, इसके बाद वाले वर्ड को मोर क्लियर करेगी। इट मीन्स क्लियरिटी कर देगी कि ये वर्ब जो हमने लगाई है ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ये डिपेंड करती है हमारी वर्ब पर, यानी कि हमारी जो वर्ब, मेन वर्ब यूज़ करी हुई है, ये डिपेंड करती है आगे वाले सेंटेंस पर कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जब भी यूज़ की जाएगी वो हमारे आगे वाले सेंटेंस को मोर क्लियर करेगी, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हमें बताएगी। जैसे आई लाइक टोमेटो, आई लाइक टमेटो, यानी कि मैं पसंद करता हूँ, किसको पसंद करता हूँ, टोमेटो को, मैं पसंद करता हूँ टोमेटो को। इट मीन्स अगर आप लाइक को देखा जाए तो लाइक हमें मोर क्लियर कर रहा है, मोर एक्स्ट्रा हमें क्लियर बता रहा है कि ये जो लाइक है हमने टोमेटो के लिए यूज़ करा है। इसी तरह से हम लोग इसी एक सेंटेंस को ऐसे देख सकते हैं, आई लाइक I like very much. It means हमारी ये जो verb है intransitive है, like कर रही है, पर किसे like कर रही है ये clarity दे ही नहीं रही है। ये like किस, सिर्फ बता रही है कि like करती है, किस तरह से like करती है, अधिक like करती है या कम like करती है, ये हमें clarity नहीं बता रही है कि हम किसे पसंद करते हैं। I love, I love my mom. मैं प्यार करता हूँ, किससे करता हूँ, क्लियर बता रहा है वो आगे अपन को, मॉम से, किससे कर रहा है, मॉम से। तो ये क्या है हमारा आगे क्या, क्लियर बता रहा है कि आगे हमारी किस तरह से है। तो ये जो फॉर्म कहलाती है, ये जो वर्ब कहलाती है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स हमें मोर क्लियर कर रही है हमारे सेंटेंस को किसके साथ, वर्ब के साथ। इट मीन्स वर्ब हमें आगे का इशारा दे रहा है, वर्ब हमें आगे के बारे में बता रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, अपनी वर्ब पे डिपेंड है। पर जो इनट्रांजिटिव होती है वर्ब, वो हमेशा अपने तक ही सीमित करती है। आई लाइक, अब किसको पसंद कर रही है, क्या पसंद कर रही है, कुछ नहीं पता। ये तो हुई हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये तो हमारी हुई ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये मेन वर्ब के 2 पार्ट हैं जो आपके कोर्स में हैं, और वैसे इसके 6 पार्ट हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, लाइक अदर्स। पर इसी के साथ जो हमारे कोर्स में है वो है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी 2 हिस्सों में, वो भी 2 हिस्सों में बट गई है। एक है हमारे पास मॉडल, फर्स्ट तो क्या है हमारे पास मॉडल, और सेकंड हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या हो गई, इज, एम, आर, ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म की, वॉज, वर, ईटीसी, जैसे हैज है, हैव है, एटसेट्रा। मॉडल वर्ब जो हमारे पास होती है, कैन, कोड, मे, माइट, ये सब क्या होती है, मॉडल वर्ब।
ETC. इसके साथ ही हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. आई कैन, जो हम मॉडल लेके यूज़ करते हैं वो हमारा सेंटेंस होता है आई कैन डू दिस. आई कैन डू दिस, इट मीन्स ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. इसमें हमारे पास वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है. पर कई बार क्या होता है, फ्लाई फ्लाई बर्ड्स, फ्लाई बर्ड्स. अब आप देखो इसमें सब्जेक्ट है पर ऑब्जेक्ट नहीं है, पर ये है सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस है. इसके पास एक फुल स्टॉप है और एक कैपिटल वर्ब वर्ड है. तो ये हमारा एक सेंटेंस है पर इसके पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ध्यान रखना कि विदाउट वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, पर एक सब्जेक्ट के बिना या ऑब्जेक्ट के बिना एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वर्ब, वर्ब क्या है, जो कि एक सेंटेंस का मेन पार्ट होता है. सेंटेंस का मेन पार्ट क्या होगा, इट मीन्स जो कर रहे हैं हम, जो भी काम करेंगे वो क्या होगी, वर्ब होगी, नेचुरल है वो. तो वर्ब डूइंग वर्ड्स, जो भी डूइंग वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स कौन कौन से हो गए, डूइंग वर्ड्स वही हुई जिन्हें हम कर रहे हैं. जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, खाना पीना सोना जागना, ये क्या है, सारी हमारी डूइंग वर्ड्स. इसके बिना हमारा सेंटेंस अधूरा है. ये हमने क्लियर पढ़ लिया था कि इसके बिना हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता. इट मीन्स हमारे एक सेंटेंस का मेन पार्ट हो गया, इसके बिना हम सेंटेंस की सोच भी नहीं सकते. सब्जेक्ट के बिना हम सोच सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बिना भी हम सोच सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है इसके बिना सेंटेंस हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बिना भी हमारा सेंटेंस हो सकता है. पर डूइंग वर्ड्स जिसे हम वर्ब कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वर्ब कह रहे हैं, ये क्या होगी, ये मेन पार्ट होगा इस सेंटेंस का. इट मीन्स जब भी हम कोई वाक्य या कोई सेंटेंस करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक अ कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस. तो वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. अब वर्ब को लेकर जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, तो वर्ब के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ब हमारी टू टाइप्स की होती है. वर्ब हमारी कितने टाइप्स की बता दी हमने, टू टाइप्स की बता दी. एक हमारी है मेन वर्ब, एक हमारी है मेन वर्ब और एक हमारी है हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद हमने पढ़ा था मेन वर्ब. मेन वर्ब के हमने कितने पार्ट्स बता दिए हैं अपन को, मेन वर्ब्स के हमने 6 पार्ट बताए हैं. फर्स्ट हमारी ट्रांजिटिव, सेकेंड हमारी इनट्रांजिटिव, थर्ड हमारी फाइनाइट वर्ब और फोर्थ हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, फिफ्थ हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब और सिक्स हमारी वीक वर्ब. इट मीन्स मेन वर्ब को जब भी हम समझते हैं, इसके 6 पार्ट को समझना जरूरी है, फिर हम कह सकते हैं ये हमारी मेन वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप की वर्ब है, यानी कि अपने पास या तो क्या आ जाएगी, मॉडल आ जाएगा, एक तो हमारे पास मॉडल आ जाएगा, एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी कि जो हमारी क्या है, इज एम आर है. और मॉडल में क्या हो गया हमारी, कैन मे, क्लियर है. हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ये हमारे कोर्स में रहेगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब, ये हमारी 6 टाइप ऑफ वर्ब है जो हमें क्या करना है, सेंटेंस में यूज करनी होती है. ट्रांजिटिव वर्ब जो हमें वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर करे, जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे. जैसे हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, आई कट एप्पल, आपने सेब को काटा, आई कट,
व्हाट कट, किसको काटा भाई आपने, तो आंसर आया एप्पल को। किसको काटा आपने, एप्पल को। व्हाट का जो आंसर दे, विच का जो आंसर दे, वो हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का क्लियर बताएगी कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो हमें वर्ब को आगे क्लियर मोर करे, पर इंट्रांजिटिव वर्ब वो हमें बिल्कुल क्लियर नहीं करती है। स्टूडेंट मेक्स नॉइज, या फिर स्टूडेंट मेक लाउडली, या स्टूडेंट क्रिएट नॉइज, तो ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव है, जो हमें और क्लियर नहीं बता पाती है, जो हमें और क्लियर नहीं करती है। आई प्ले गुड, आई प्ले गुड, इसमें क्लियर था। आई कट एप्पल, आप काट रहे हो एप्पल को। प्ले, किसको खेल रहे हो आप, विच प्ले, कोई सा भी प्ले नहीं, कुछ पता ही नहीं है। आई प्ले गुड, मैं खेल रहा हूँ गुड, पर क्या खेल रहे हो ये पता नहीं। अगर इसी के साथ अगर हम कह देते कि आई प्ले क्रिकेट, तो ये तो हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ये तो हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। पर जब मैं कहती हूँ कि आई प्ले गुड, मैं खेलता हूँ अच्छा, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्ले को बता रही नहीं है कि हम कैसा क्या क्या खेल रहे हैं। ये कह रही है कि तुम खेलते हो, अच्छा खेलते हो, बस क्या खेलते हो इसका कोई आंसर नहीं दे रही है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब हमें मोर क्लियर करती है हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, हमें और बताती है ऑब्जेक्ट के बारे में, पर इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे को ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताती है। इसी तरह से फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है और कैसे नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब में हमें वो वर्ब बताई जाती है जो प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, या पास्ट पार्टिसिपल, या बीइंग फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो है उसमें कैसी रहती है, साथ में वीक फॉर्म कैसी रहती है, इनमें कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो यानी कि आज हमारा कंप्लीट हुआ है, टू टाइप वर्ब्स बताई है उसने, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब के भी हमने सिर्फ टू पार्ट पढ़े हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। साथ में हमने वर्ब को डिफाइन करा है, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। और इसके बाद हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट और स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब के बारे में। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज को भी क्लियर करेंगे कि मेन वर्ब का यूज़ कैसे करके हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, या मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब दोनों को यूज़ करके हमें क्या करना है सेंटेंस के अंदर। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।